हिमाचल सरकार में पूर्व सहकारिता मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा 5 बार विधायक रहे विधानसभा क्षेत्र झंडुता के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ एवं दिग्गज नेता रिक्की राम कौंडल का राजकीय सम्मान के साथ गोविंद सागर झील के किनारे डांगू स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया, जिनके हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया था। हिमाचल सरकार में पूर्व सहकारिता मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा 5 बार विधायक रहे विधानसभा क्षेत्र झंडुता के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ एवं दिग्गज नेता रिक्की राम कौंडल का राजकीय सम्मान के साथ गोविंद सागर झील के किनारे ढांगू स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया, जिनके कल सुबह हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन पर बिलासपुर जिला के लोगों ने काफी शोक व्यक्त किया। रिक्की राम कौंडल अपने पीछे धर्म पत्नी प्रकाशो देवी, पुत्र राजकुमार कौंडल तथा 3 बेटियां छोड़ गए हैं। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए काफी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सती, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, विधायक जेआर कटवाल, सुभाष ठाकुर व राजेंद्र गर्ग, पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर व विचित्र सिंह, पूर्व सांसद सुरेश चंदेल, पूर्व विधायक डॉक्टर बीरू राम किशोर, जिला भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान, पूर्व अध्यक्ष राकेश गौतम व जिला महासचिव आशीष ढिल्लो समेत भाजपा व कांग्रेस के कई नेताओं के साथ बिलासपुर डीसी राजेश्वर गोयल, एसपी दिवाकर शर्मा, डीएसपी राजेंद्र जसवाल, झंडुता के तहसीलदार मुल्तान सिंह बनियाल ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। श्री रिक्की राम कौंडल बहुत लंबी देर तक राजनीतिक क्षेत्र में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे और उनकी एक कार्यशैली इस क्षेत्र में विकास के लिए अपना एक अहम योगदान रहा है। कल और परसों वो राज्य कार्य समिति की बैठक में पांवटा साहब हमारे साथ थे। आज सवेरे जब 5:30-6 बजे पता लगा तो हम एकदम विश्वास न कर पाए, परंतु ये बहुत दुखद घटना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें और उनका जो योगदान है बहुत लंबे अरसे तक इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया उसको याद रखा जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरण में अच्छे। बहुत ही दुखद घटना है। कल ही वो प्रदेश सबसे लेकिन सुबह ही जब ये जानकारी मिली तो हम स्तब्ध रह गए। वो अपने एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, समाज सेवक थे और उन्होंने एक लंबी पारी राजनीति में खेली और अपने कार्यकाल के अंदर जो है वो जहां प्रदेश के विकास में और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास में उनकी एक अहम भूमिका रही है। हम सब दुखी हैं, उनकी जो कमी है वो हमेशा पार्टी को कलकती रहेगी, लेकिन हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को भी इस सपने को झेलने की शक्ति प्रदान करें।